है आपका हिंदी रश्मि। बॉलीवुड में रिलेशनशिप हर गुजरते दिन के साथ बदल सकते हैं। यहाँ यंगर जनरेशन के कई कलाकार अपने लिंकअप्स को लेकर खबरों में बने रहते हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का रिलेशनशिप काफी सीक्रेटिव तरीके से अब तक चलता आ रहा था। बॉलीवुड का ये कपल 3 साल से भी ज्यादा वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप में होने की बात से अग्री नहीं किया। दोनों कई बार एक साथ देखे गए हैं, उनके रिलेशनशिप को लेकर उनसे कई बार सवाल भी पूछे गए, लेकिन दोनों ने ना तो कभी इस खबर को कंफर्म किया और ना ही कभी मना किया। दोनों के दोस्त और इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों को पता चल गया है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। दोनों के करीबी सूत्रों ने बताया है कि पिछले कई हफ्ते से टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों ने ऑफिशियल तौर पर अलग होने का फैसला ले लिया है। सोर्सेज का मानना है कि दोनों आपसी सहमति से कुछ हफ्ते पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के करीबियों को इसके बारे में पता है। हालांकि खबर ये भी है कि दिशा पाटनी की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये उनके ब्रेकअप की वजह नहीं है। टाइगर और दिशा के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, लेकिन वो उसे सुलझाते रहे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब दोनों ने फील किया है कि वो कपल्स की तुलना में दोस्त के तौर पर ही बेहतर हैं। दोनों ने ये ब्रेकअप आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से लिया है, लेकिन टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती कायम रखेंगे। हाल में ही दोनों एक साथ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में नजर आए। वेल, टाइगर और दिशा के इस ब्रेकअप पर आप क्या कहेंगे, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी रश्मि।